देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। माय गॉड, बस ये राधा कृष्ण के लोग दर्शन करने आए। बहुत बढ़िया लगा, है ना? बहुत आनंद आया, बहुत। राधे कृष्ण अंकल जी, मेरे मुंह से सिर्फ निकल रहा है अद्भुत। बहुत 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 खाली, जो से अच्छा और क्या ही हो सकता है। सेवई की खीर मिल गई, तो सारी चीजें यहाँ पे देखने को ओपन हुए उस तरीके से, भाई साहब ने कम मिल जाता तो और क्या ही चाहिए लाइफ में, है ना? मान तो मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, लेकिन ऐसा फूड अंकल जी ने कहा था मुझे खीर टेस्ट करके ही जाइए। आराम से 5-6 लोग फैमिली वाले बैठे। As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पाठक। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं कहां पे हूं। सो देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अभी मैं कहां पे हूं। सो मैं आ चुकी हूं पटना के इस्कॉन टेम्पल के अंदर, और मंदिर का आज मैं आपको बिल्कुल भी टूर नहीं करवाने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे खुल चुका है हमारा बहुत ही ज्यादा आलीशान वेजिटेरियन के लिए गोविंदा रेस्टोरेंट। जी हाँ, जिसका मैं आपको आज टूर करवाने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट अंदर में खुल के रेडी हो चुका है, जो कि पटना के इस्कॉन टेम्पल के ग्राउंड में ही आपको देखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं, लोकेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, गूगल कर लेना पटना इस्कॉन टेम्पल, और उसी के इस गेट से आपको एंटर करना है। देख सकते हो एक बड़ा सा गेट आपको मिल जाता है, और अंदर में देख सकते हो कितने सारे लोग खा के निकल रहे हैं बाहर। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, एकदम न्यू नहीं हुई ओपन, और अभी तक कोई बहुत कम लोग ही वीडियो बनाए ये वाला। सो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं और कवर करते हैं, और इसका उद्घाटन हुआ था 31 को हमारा। सो आज हम भी आ चुके हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। हम देख सकते हो, और यहाँ पे आपको गोविंदा रेस्टोरेंट का हमारा छोटा सा प्यारा सा बोर्ड देखने को मिल जाता है। सो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, आइए। So guys, आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं, ये रहा हमारा गेट, और अंदर का नजारा आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर है यहाँ का, आगे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अंदर आप देख सकते हो गाइस, 2 दिन ही हुए सिर्फ ओपनिंग का, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, और एक भी चेयर टेबल आपको खाली से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। भीड़ आप देख सकते हो, मतलब रिस्पॉन्स आपको देखने को सामने में ही मिल रहा है। मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिले भाई साहब। ऐसे नॉर्मली कोई सा भी रेस्टोरेंट हमारा ओपन होता है, इतना बढ़िया रिस्पांस तो नहीं देखने को मिलता है। उन लोगों को बहुत सारा प्रमोशन वीडियो वगैरह बनवाना पड़ता है ताकि मेरे रेस्टोरेंट होटल के बारे में लोग जाने, बट यहाँ पे मतलब प्रमोशन करवाने की क्या ही जरूरत है। ऑफकोर्स यहाँ राधा कृष्ण के लोग दर्शन करने आएंगे, और यहाँ पे खाएंगे पियेंगे इंजॉय करेंगे, और यहाँ का फूड भी बोलने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ के फूड को भोग, और भोग ही बोलना चाहिए क्योंकि इसी कैंपस के अंदर में ये वाला जो हमारा रेस्टोरेंट है वो ओपन हुआ है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको फूड आइटम्स दिखाती हूँ यहाँ का। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको बफेट सिस्टम का देखने को मिल जाता है, देख सकते हो सामने में ही रखा आपको एकदम लाल लाल सा गुलाब जामुन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मिला यहाँ पे तो ये खीर है, किस चीज की, तो सेवई की खीर मिल गया। नेक्स्ट क्या है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है दीदी, ये बूंदिया का कुछ है, ठीक है, बूंदिया और रायता जो भी वो है ये, और नेक्स्ट भी है हमारा वही कुछ रायता टाइप का ही है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो दाल है यहाँ पे, आप देख सकते हो टमाटर वगैरह एकदम मिलाया हुआ। भाई साहब, खाने का जो वो है ना रंग, वो देखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे चाउमीन देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे फ्राइड राइस वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से, और भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, लोग आपको पूरे में दिख रहे होंगे किस तरीके से भरे हुए हैं चारों तरफ से। अब इस साइड आ जाते हैं, हाँ तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, भिंडी का कोई वेराइटीज है यहाँ पे, देख सकते हो आप इस तरीके से भिंडी का है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपको पनीर का कोई आइटम मिल रहा है, मुझे पनीर मंचूरियन, थैंक यू सो मच, दही भिंडी है, अच्छा दही भिंडी, हाँ आलू बीन्स की सब्जी भाई। नेक्स्ट हम लोग स्टार्टर की तरफ बढ़ते हैं, व्हाइट ढोकला, अच्छा हाँ, और यहाँ पे सैलेड, और पानी सर्व किया जा रहा है, देख सकते हो बनाना मिल्क शेक है, जल्दी रहे मिल्क शेक, अच्छा बटर मिल्क मिल जाएगा आपको, बनाना शेक मिल जाएगा, बनाना मिल्क शेक है, अच्छा बच्ची साइड है। आप भरपूर कितना चाहिए उतना आप खा सकते हैं, जितना पेट ना भरे तब तक खा सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया, हरे कृष्णा। चलिए थैंक यू सो मच, अंकल जी ने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, और यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया बहुत सारे आइटम्स ने ऐसे आपको खाने को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
कितना खाइएगा? वही ना, खा ही नहीं सकते उतना। शाम को बुकिंग है 50, 60, 70। पहला दिन में हमारा 200 था लिखा है, कल 250 है, आज तो कम से कम 500 एवरेज हमारा। अच्छा, कान्हा जी की कृपा से और क्या ही चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ जी गाइस, और एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे बढ़िया लगी, एकदम अनलिमिटेड वाली फील आपको यहाँ पे आने वाली है। देख सकते लोग यहाँ पे खुद से सर्व कर रहे हैं और खुद से लेके खा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोई सिस्टम नहीं है कि 400 रुपए लिए जाते हैं और एक एक करके गुलाब जामुन या कोई भी चीज है रसगुल्ले आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दे रहे हो तो बढ़िया से आप देख सकते खुद से लोग सर्व कर रहे हैं, चाउमिन मैगी जो भी उनको खाना है सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको गुलाब जामुन ही खाना है तो वो ही खाओ, स्टार्टर में ही कुछ खाना है, पनीर मखनी खाना है, जो भी आपको खाना है तो वही खूब खा सकते हो, ठीक है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और जिस तरीके से 2-3 दिन ही हुई है वो, मतलब ये रेस्टोरेंट को ओपन हुए, उस तरीके से भाई साहब भीड़ का तो यहाँ पे मत ही पूछो, देख सकते किस तरीके की भीड़ है यहाँ पे पूरे में। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पे कितने लोग एक बार में मतलब खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 150 सीट आपको देखने को मिल जाती है। खैर अभी तो लगना और भी बहुत सारे टेबल चेयर लगने बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एकदम न्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो और भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ना कि ये लोग सोच ही नहीं थे कि इतना भाई साहब मिलेगा, और क्यों नहीं मिले भाई साहब, कान्हा जी के दर्शन करने प्लस आपको यहाँ खाना पीना एंजॉय करने का मिल जाता है, तो और क्या ही चाहिए लाइफ में, है ना। तो आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि फूड हमारे एंजॉय कर रहे हैं, तो आइए इनसे थोड़ा सा रिव्यू जानते हैं। कृष्णा बाबू। जय श्री कृष्ण। हाँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अंकुश यादव है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं एक साथ, तो क्या सा मतलब अच्छा? एकदम बहुत अच्छा है एकदम। हाँ। फूड, ऐसा फूड मैंने कहीं भी नहीं खाया, मानता हूँ मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ लेकिन ऐसा फूड नहीं खाया, बिना अनियन और गार्लिक के बहुत अच्छा है। मैं इसको 5 रेटिंग दूंगा। यहाँ पे अनलिमिटेड भी खा सकते हो। हाँ। वो और मजा देता है। जितना मन होता है गुलाब जामुन खा सकते हो ना। हाँ, एकदम और अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे 3 बार विजिट भी कर चुका हूँ। 3 बार। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण अंकल जी। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बाढ़ प्रसाद ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग तो लहसुन प्याज खाते नहीं है। अच्छा। इसी के लिए हमारा भतीजा है। अच्छा, अच्छा। बोला कि चलो हाँ हम लोग खिलाएंगे, स्टूडेंट खिलाए नया। हाँ, बहुत सारे ऐसे होटल स्टूडेंट जहाँ पे ऐसे तो बोला जाता नॉर्मली लहसुन प्याज नहीं, लेकिन अंदर में बहुत सारा काम होते रहता है। हम लोग तो खाते नहीं। हाँ। है तो यहाँ आए तो खाए, बहुत अच्छा लगा। बार बार आना चाहेंगी? बार बार आना चाहेंगे। यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान का दर्शन कर लिए, प्लस आप भोग खा लीजिए, उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। क्या हो सकता है, ये तो प्रसाद है। हम लोग तो होटल में जाते ही नहीं, और अंदर जाते हैं तो इतना महकता है। हाँ, इसीलिए हम लोग जाते नहीं, बच्चा लोग जाया तो बाहर में खड़ा रह गए। फर्स्ट टाइम आई है ऐसे मतलब रेस्टोरेंट में? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत बढ़िया लगा, है ना? बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइस, अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ मिल्क शेक, और माय गॉड, इसका तो किसी फूड से ना कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अद्भुत मेरे मुंह से सिर्फ निकल रहा है, अद्भुत, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, एकदम सात्विक टाइप का आपको यहाँ पे आता है तो फीलिंग आने वाली है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सो गाइस, अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं खीर यहाँ का, जो कि काफी ज्यादा लजीज लग रहा है देखने में और काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, ठीक है। तो आइए टेस्ट करते हैं, लेते हैं। माय गॉड, कितना ज्यादा टेस्टी है यार। अंकल जी ने कहा था मुझे खीर टेस्ट करके ही जाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार, बहुत ही ज्यादा। और गाइस, ये ओवर एरिया देखते तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, एंड यहाँ पे आराम से 5-6 लोग फैमिली वाले बैठ के खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फूड। So guys, सारी चीजें और यहाँ की ना मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग आ सकते हो, लोकेशन वही हमारा इस्कॉन टेम्पल, पटना इस्कॉन टेम्पल। अगर आप सर्च करते हो तो गूगल पे सारा कुछ लोकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सो आप आ सकते हो, फूड यहाँ का एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी अमेजिंग फूड है। मुझे नहीं लगता पूरे पटना के पूरे दुनिया में ऐसी फूड आपको देखने को मिलेगी। प्रसाद लग रहा है, भोग लग रहा है, ठीक है।
और खा के जो सुकून मिलेगा ना वो मतलब क्या ही कहने हैं उसके, तो बात ही नहीं है। खास करके वेजिटेरियन लोगों के लिए जो मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं उनके लिए ये वाला रेस्टोरेंट एकदम बेस्ट है। सो आप लोग आ सकते हो, फूड एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। चलिए तो लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।